एक बीज बोया था जो अभी साल पेड़ बन गया। वाइब्रेट गुजरात के 20 साल पूरे होने पर बोले नरेंद्र मोदी। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव से पहले नियुक्त किए 3 राज्यों के अध्यक्ष एस सेल्वनगन बत्ती को पुंडुचेरी, बेंजामोन येप थोमी को नागालैंड और रिकमान मोमिन को दीप मेघालय की कमान। अफसर सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली की केजरीवाल सरकार। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की मांग, राजनीतिक दाव, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर बोला हमला। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बदली रणनीति, अब चुनावी राज्यों में सीएम चेहरा नहीं करेगी पेश, सामूहिक नेतृत्व पर दाव की तैयारी। मणिपुर की ताजा हिंसा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को घेरा, मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह को बर्खास्त करने की मांग। मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगाने से पहले सीएम शिवराज ने कैबिनेट बैठक में मंत्री और अफसरों को दिया धन्यवाद। मोदी सरकार में अब तक 9 लाख से अधिक दी गई नौकरियां, यूपीए ने दिया था केवल 6 लाख को रोजगार, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान। मणिपुर हिंसा में हालात सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार कर रही हर संभव प्रयास, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया दावा। चांद सूरज के बाद अब शुक्र पर ईसरो की निगाहें, विश्व में लहराएगा देश का परचम, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद ईसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने बताई आगे की प्लानिंग। अब नए लुक में नजर आएंगे एयर इंडिया के क्रू मेंबर, 60 साल बाद बदला ड्रेस कोड। आम आदमी पार्टी ने गोवा में की थी पदाधिकारियों की नियुक्ति, 27 सदस्यों की लिस्ट की जारी, 5 उपाध्यक्ष के नाम भी शामिल। भारत में जहर घोलने की चाल चल रहा पाकिस्तान, सोशल मीडिया के जरिए ISI देश में फैला रही खालिस्तानी एजेंडा। DMK नेता उदयनिधि की और बड़ी मुश्किलें, सनातन पर बिगड़े बोल के खिलाफ एक और याचिका हुई दायर, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। विदेशी निवेशकों को धमकी दी जाती थी, गुजरात मत जाओ, वाइब्रेट गुजरात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एशियन गेम्स में भारत को मिला 15वां पदक, शूटिंग में मिली दोहरी खुशी, सीफत कौर सामरा ने गोल्ड और आसी ने अपने नाम किया कांस्य। भारतीय भाषाओं के बीच जुड़ाव से नई पीढ़ी को परिचित कराने का चलेगा अभियान, कल से होगी पहल की शुरुआत। नीता अंबानी को मिला इस साल का सिटीजन ऑफ मुंबई सम्मान, स्टोरी क्लब ऑफ बॉम्बे ने किया ऐलान। मणिपुर के विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, 2 छात्रों की मौत की CBI जांच कराने के लिए उठाई मांग।